देखिए, आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भाषण देते समय लोकसभा स्पीकर को अटैक किया और नियम से बाहर जाकर के जितने भी उन्होंने बात की है, मैं उसका खंडन करता हूं। लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन, ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष का नेता बनना। तो जिम्मेदारी पद पर बैठ करके गैर जिम्मेदारी बात करना, ये बहुत गलत बात है। देखिए, सदन नियम से चलता है और स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, और आज बार बार राहुल गांधी जी ने स्पीकर को ही अटैक करना शुरू किया और बजट का चर्चा बजट के बारे में नहीं बात करके अनाप शनाप बातें कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में 140 करोड़ के जनताओं का प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा का कार्रवाई नियम और कन्वेंशन से चलता है, परंपरा और नियम, रूल्स एंड कन्वेंशंस। बार बार उनको याद दिलाया गया है राहुल गांधी जी को कि भाई आप जो भी बात करेंगे नियम के तहत बात करना चाहिए, लेकिन नियम को ताक में रख करके उन्होंने अनाप शनाप बातें की है। मैं समझता हूं कि जब श्रीमान राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे तो तब तक ठीक है, लेकिन जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद नियम से चलना होगा। कोई सदन का रूल से ऊपर नहीं होता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है, देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने बहुत गलत बात आज करके अपने पद का गरिमा को भी ध्यान में नहीं रखा उन्होंने, मैं खंडन करना चाहता हूं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी अनाप शनाप बातें करके फिर जब हम उसको नियम के तहत बात करने के लिए कहते हैं तो फिर वो आपत्ति दर्ज करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन लोकसभा में भी राज्यसभा में भी अपना बात अच्छी तरह से रखने के लिए कोशिश किया, तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग पूरे समय लोकसभा में भी राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री जी का भाषण को पूरा डिस्टर्ब किया, हल्ला किया और पूरा वेल में आकर के उन्होंने इतना जोरदार हंगामा किया और बड़ा मुश्किल से प्रधानमंत्री जी अपना बात रख पाए। तो ये नियम को मानते ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि श्री राहुल गांधी जी नियम से ऊपर नहीं होना चाहिए, सिस्टम से ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संविधान और हमारे परंपरा, रूल्स एंड कन्वेंशन, इससे ऊपर राहुल गांधी नहीं है। सर,